नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो लेके आया हूं एक ऐसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसी एक्साइटिंग जॉब जिसमें आप भारतीय सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरीट में काम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सचिवालय में काम कर सकते हैं। और ये आपका ग्रेजुएट जिनने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है उनके लिए पोस्ट आई है, जिनने गेट भी क्वालिफाई किया है, गेट के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होना है। तो ऐसे इंडियन सिटीजन्स इनके पास में गेट एग्ज़ाम दिया है, वैलिड गेट स्कोर है और गेट लिखा है कंप्यूटर साइंस, आईटी या कम्युनिकेशन में, उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 160 वैकेंसी हैं, ठीक है, ये टेंटेटिव हैं, ये बढ़ भी सकती हैं। ये 160 वैकेंसीज हैं आपको एज ए डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल लेवल 7 पे मैट्रिक्स में ग्रुप बी नॉन गजिस्टर्ड में सचिवालय में जॉब दी जाएगी और गवर्नमेंट जॉब है। इसके लिए एज लिमिट जो है 30 ईयर्स रखी गई है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होनी चाहिए और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए या मास्टर डिग्री, मास्टर साइंस, एमएससी आपकी कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। आपका एम्प्लॉयमेंट अब बात करें तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आपकी छपती है उसमें देख लीजिएगा, इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन दिया गया है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 21 सितंबर को ये पब्लिश हुआ था, इसका क्लोजिंग डेट है जो 21 अक्टूबर 2024 है। तो अभी टाइम है आपके पास में इसको अप्लाई करने के लिए। तो चलिए मैं कवर करता हूँ क्या है वैकेंसी में। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12024, क्लोजिंग डेट 30 डेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट में ये वैकेंसी निकली हुई है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में वैलिड गेट स्कोर है और गेट स्कोर पार्टिकुलरली जो बताया था 2022, 2023 या 2024 का होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एज ए डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर, नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है। और इसकी जो अगर बात कर लें पे पैकेज की, अलाउंस की, तो टोटल मंथली इन्वॉल्वमेंट है 95,000 अप्रॉक्सीमेटली न्यू दिल्ली, ये आपकी ज्वाइनिंग के दौरान भी होगा और बढ़ेगा आगे। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक्स सर्विसमैन एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री से एमएससी कहेंगे तो करस्पॉन्डिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी चाहिए या फिर आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो चलेगी, साथ साथ में गेट स्कोर कंपलसरी है। सब्जेक्ट वाइज टोटल वैकेंसी 160 है, जिसमें कि फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन में 80, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 80 वैकेंसी है, टोटल मिला के 160 हो गए। इसमें जो करस्पॉन्डिंग जो गेट आपको लिखना है, अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से CS कोड में होना चाहिए और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करें तो EC में होना चाहिए आपका गेट जो आपने लिखा हो, इस कोड के साथ लिखा हो। सारे जो कैंडिडेट हैं क्लोजिंग डेट तक आप एप्लीकेशन आ रहे हैं तो उनको कंसिडर किया जाएगा, क्लोजिंग डेट के बाद में आएंगे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम नहीं होना, तो गेट के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आप शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई, ठीक है। इनमें से कोई भी सेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू देना है। जो इंटरव्यू होगा वो आपके गेट स्कोर और जब सिलेक्शन जो होना है फाइनल, वो आपका गेट स्कोर जो होगा आपका और इंटरव्यू में जो मार्क्स आए हैं टोटल ऐड करके एक मेरिट लिस्ट बना के आपका इसमें सिलेक्शन होना है। अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं, जो कैंडिडेट हैं जो अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देनी होंगी, मार्कशीट जितनी भी हैं, हार्ड कॉपी ऑफ N+2 BE BTech, वैलिड गेट स्कोर, कास्ट सर्टिफिकेट जिससे भी कम्युनिटी से आप हैं, NOC अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पर तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, अनेक्स्ट 3 में दिया गया है, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप डिस्चार्ज हो चुके हैं आर्मी से या किसी भी सर्विस से तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे एक आपको जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लगा के भेजने एप्लीकेशन के साथ में। एप्लीकेशन आपको टाइप करना पड़ेगा, मैं फॉर्मेट लास्ट में दिखाऊंगा, एक फॉर्मेट है उसी में टाइप करके आपको नीटली ब्लू इंक से भरना है और भेजना है, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ना ही इनकम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है। एनवलप के अंदर डालना है, एनवलप के ऊपर लिखना है आपको पोस्ट बैग नंबर 001 लोधी रोड हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली, यहाँ पर दिया गया है, और ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसीप्ट इज, यहाँ खाली छोड़ देना है, ठीक है। पर्सन जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं प्रॉपर चैनल के जरिए अपने अपने इसको एप्लीकेशन को भेजेंगे, ठीक है। इनके अलावा कैंडिडेट मे नॉट दैट जॉब फॉर दिस पोस्ट इन्वॉल्व फील्ड पोस्टिंग, इसमें आपकी फील्ड पोस्टिंग होगी, ऑल इंडिया ट्रांसफर है, एक जगह पे काम नहीं करोगे, कहीं पे भी आपकी पोस्ट पड़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम और इंटरव्यू की आपको बता दिया जाएगा ईमेल के जरिए, तो इसमें ईमेल वगैरह आप प्रॉपर तरीके से भरिएगा अपना खुद का। कैबिनेट सेक्रेटरी अपना अधिकार रखता है
इसको कैसे भी वो कैंसिल भी कर सकते हैं वैकेंसी को, या फिर चेंज कर सकते हैं इंटरव्यू की, ये उनका खुद अधिकार है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आइदर इसी को यूज़ कर लीजिएगा, इसको टाइप करवा लीजिएगा और इसमें सारी डिटेल आपको भर के भेजनी है। और इसके साथ में यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसके अलावा यहाँ पे आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाने हैं अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये अंडरटेकन है जो आपको भर के देना है, आई अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सर्टिफाइड दैट एक्स सर्विसमैन, अगर किसी भी कैटेगरी में है तो यहाँ पे आपको क्लिक करिए और यहाँ पर सिग्नेचर और नंबर सारी चीज़ इसमें भरनी है, ठीक है। ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं, वो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, उनको ये फॉर्मेट देना है। तो सारे फॉर्मेट दे, करेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनने का, वो भी सचिवालय में। दोस्तों आई होप मैं सारी चीज़ इसमें कवर कर चुका हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।